महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी बॉलीवुड में काफी लोकप्रिय थे। कोविड महामारी के दौरान मरीजों को दवाइयां मुहैया कराने पर उनकी काफी तारीफ हुई थी। वह अपने भव्य इफ्तार पार्टियों के लिए भी मशहूर थे। उनकी पार्टियों में बॉलीवुड के नामचीन सितारे शामिल होते थे। उन्हें सलमान खान, शाहरुख खान और संजय दत्त समेत कई बॉलीवुड सितारों का करीबी माना जाता था। बाबा सिद्दीकी ने महाराष्ट्र विधानसभा में बांद्रा वेस्ट सीट की 3 बार नुमाइंदगी की। कांग्रेस में हम लोग दोनों साथी थे, एमएलए थे, हमारे साथ में मंत्री भी रहे। तो बाबा एक दिलदार आदमी था, बाबा एक जाबाज एक साथी था और उन्होंने पॉलिटिकली बहुत अच्छा काम किया। मंत्री रहते हुए भी बहुत एक उनका जो स्वभाव था, दिलदार आदमी था और लोगों की सेवा करने में, काम करने में पॉलिटिकली बड़ी मैच्योरिटी थी उनको। विश्वास नहीं होता ये सुनकर कि बाबा सिद्दीकी नहीं रहे, हमारे दोस्त, 3 दशक पुरानी हमारी दोस्ती, कांग्रेस में कई साल इकट्ठे हमने काम किया, बंबई बीच बंबई के एक इतने वरिष्ठ राजनेता की यूं इस तरह गोली मारकर हत्या कर दी जाए, ये सुनकर विश्वास नहीं होता। भगवान उनकी परिवार को, जीशान को हिम्मत दे, इससे ज्यादा कुछ कहने की क्षमता नहीं है। उनके बेटे जीशान सिद्दीकी फिलहाल मुंबई से कांग्रेस विधायक हैं। बाबा सिद्दीकी इस साल फरवरी में कांग्रेस छोड़कर एनसीपी के अजीत पवार गुट में शामिल हो गए। उन्होंने कांग्रेस छोड़ने की कोई वजह नहीं बताई, सिर्फ इतना कहा था कि कुछ बातें अनकही रहना बेहतर है। वे करीब 48 साल तक कांग्रेस से जुड़े रहे। एनसीपी बृहन मुंबई नगर निगम चुनावों के लिए खासकर मुस्लिम बहुल इलाकों में प्रचार का भार बाबा सिद्दीकी पर सौंपती थी। बाबा सिद्दीकी को शनिवार रात करीब 9:30 बजे मुंबई के खैर नगर में उनके बेटे के दफ्तर के बाहर 3 लोगों ने रोका और गोली मार दी। उन्हें लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।